Yes, fifth class. Today we are going to start our unit second and poem teamwork. Teamwork एक आपकी poem है और यहाँ देखिए आपका team का मतलब होता है इकट्ठे साथ साथ. अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे basketball खेल रहे हैं, यहाँ पे सब हाथ पकड़ के खेल रहे हैं, मतलब खूब enjoy कर रहे हैं अगर वो इकट्ठे आपस में खेलते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम जो ये व्हाइट क्लाउड में लिखा होता है इसे हम रीड करते हैं. डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर्स. ये आपसे क्वेश्चन किया गया है कि क्या आप दूसरों के साथ काम करना या खेलना पसंद करते हो. मीन्स आप अकेले खेलना पसंद करते हो, दूसरों के साथ भी पसंद करते हो. यहाँ पे आपकी पोएम है. सबसे पहले हम किसका नाम देखेंगे, पोएट का. पोएम है टीम वर्क एंड पोएट है जैन निग्रो. जैन निग्रो इज द राइटर ऑफ दिस पोएम. चलिए हम अपनी पोएम शुरू करते हैं. लेट सिंग एंड डांस. चलिए गाते हैं और डांस करते हैं. टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क. देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन टीम वर्क एवरीवन. इसमें फर्स्ट पैसेज में क्या बोला गया है कि टीम वर्क होता है जब आप साथ में मिलके काम करते हो. वर्क टुगेदर, तो जब आप काम साथ में मिलके करते हो तो हम अपने सपनों के काम को पूरा कर सकते हैं, उसे कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं. मीन्स अगर एक अकेला इंसान काम करेगा तो वो इतना आसानी से नहीं करेगा, उसको डिफ़िकल्टीज आएंगी, वो एंजॉय भी नहीं करेगा काम करते हुए क्योंकि उसके लिए वो काम बोरिंग हो जाएगा. लेकिन जब टीम में काम करते हैं तो आप जो भी काम करना चाहते हो वो कर सकते हो. देन वी विल शेयर द जॉय, तब आप अपनी खुशी को भी शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ जो आपने काम किया है. आपको अच्छा लगता है जब आपको कोई वेल्डन बोलता है, गुड बोलता है, जब आप कोई अच्छा काम करते हो. तो इसमें वही बोला गया है कि जब हम अपनी खुशी को हम अपनी टीम में सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं. टीम वर्क एवरीवन, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो इसलिए अकेला इंसान अगर काम करेगा उसके लिए बोरिंग होगा, ना उसका काम करने का मन करेगा. अगर वो कोई अच्छा काम कर भी लेता है तो उसे ये चाहिए कि वो किसी को बताए जाके. आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा. अब देखिए सेकेंड पैसेज में क्या बोला है. इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द होप, बट इफ नबडी पासिस द नबडी शूट्स एंड द रिले रेस जस्ट कैंट गो ऑन इफ नबडी वॉन्ट्स टू पास द बैटन. इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द होप. देखिए जब आप झुंड बना के, जब आप घेरा डाल के बॉल को बास्केटबॉल में डालते हो, उसको शूट करते हो, तो कितना अच्छा लगता है, मज़ा आता है. लेकिन अगर कोई बास्केटबॉल जो बॉल को सॉरी बॉल को पास ही नहीं करेगा और ना ही उसे शूट करेगा तो फिर कैसे वो आपका गेम चलेगा आगे. वो तो गेम वहीं रुक जाएगा क्योंकि बास्केटबॉल जो है वो आपकी एक टीम गेम है, एक आपकी ग्रुप गेम है. अकेले नहीं खेल सकते. कुछ गेम ऐसी होती हैं जो आप ग्रुप में ही खेल सकते हैं, जैसे लूडो, कैरम बोर्ड, बास्केटबॉल, बैडमिंटन. ठीक है, आप अकेले नहीं खेल सकते ना उसे. तो एंड द रिले रेस वो होती है बेटा जिसमें आप एक के बाद एक प्लेयर्स खड़े होते हैं और उनके हाथ में कुछ ना कुछ होता है, जैसे स्टिक होगी या कोई और चीज़ होगी, तो आगे वाले को पास करता है तब वो उसको लेके आगे दौड़ता है, जैसे उसको आप रिले रेस बोलते हो. तो जस्ट कांट गो ऑन, वो नहीं चल सकती. क्यों? इफ़ नबडी वॉन्ट्स टू पास द बैटन. अगर कोई इंसान भागे ही ना, वो वहीं खड़ा है, तो सामने वाला उसके आगे वाला भी खड़ा रहेगा क्योंकि जब तक उसको वो बैटन, यानी कि जो भी आपके पास चीज़ है, चाहे वो आपकी लकड़ी की है, प्लास्टिक की है, वो छड़ी है, तो उसे बैटन बोलते हैं. तो अगर वो आगे पास नहीं करेगा, जब तक वो पास नहीं करेगा, उसके हाथ में नहीं आएगी, तो वो भी अपनी रेस कंटिन्यू नहीं कर पाता. ये रूल होता है गेम का. ठीक है, जो रिले रेस है उसका रूल होता है ये. वी आर द पार्ट दैट मेक अप द होल. हम जो है एक पूरे का हिस्सा है. मतलब जब आप कोई गोल प्राप्त करते हो, मतलब कोई आपका उद्देश्य है उसे आप अचीव करते हो, तो उसका आप एक हिस्सा बन जाते हो. जैसे ग्रुप में ऐसा तो नहीं है एक अकेला इंसान अगर जीत जाता है तो वो अकेला ही सारा क्रेडिट लेता है, या वो अकेला जीत सकता है क्या? नहीं ना. तो उसमें पूरे जो प्लेयर हैं उनका पार्टिसिपेशन होता है, पार्टिसिपेट करते हैं वो, अच्छे से एफर्ट्स करते हैं सब लोग मिलके, तभी तो वो होल को मतलब अपना पूरा बना पाते हैं, मीन्स अपना गोल अचीव कर पाते हैं. एंड वी हैव गोट आर आईज ऑन अ कॉमन गोल. और हमें जो अपनी आईज है अपने कॉमन गोल पर, मतलब हमारा सबका उद्देश्य एक ही होता है, जीतना. जो भी आप काम कर रहे हो तो उसको फाइनलाइज करना आपका एक गोल होता है. समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस व्हेन अ यू और अ मी बिकम एन अस. तो कई बार जो है ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है, प्लस पॉइंट होता है. ये जो लास्ट लाइन है इसमें बहुत बड़ी बात की गई है, व्हेन अ यू और मी बिकम एन अस, कि जब तुम और मैं मिलकर हम हो जाते हैं. तो ये बेटा आपने अपनी लाइफ में भी यूज़ करना है. यू एंड मी
आपका हमेशा अस होना चाहिए। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, तुम भी नहीं कर सकते अकेले, और मैं भी नहीं कर सकता। चाहे वो आपकी फैमिली मैटर हो, चाहे आप बाहर गए हो, सोसाइटी में गए हो, तो हमेशा सबके साथ मिलके इंसान को चलना चाहिए। तो ये पोएम का जो मोटिव है, जो समझाना है, वो एक बहुत बड़ा इन्होंने आपको मोरल दिया है कि हमें हमेशा अस होना है, हम बनना है, हमें मैं और तुम नहीं बनना है। ये बहुत अच्छी पोएम थी, ये आपके अपने लाइफ में भी अप्लाई करना, ये वाला रूल जो है कि आप हमेशा हम रहें, मैं और तुम नहीं बने, हम रहें। तो ये पोएम आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। नाउ पेज नंबर 22, यहाँ पे आपके कुछ न्यू वर्ड्स हैं, वो आप रीड कर सकते हैं अपनी बुक में। उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये अपने सेंटेंस कंप्लीट करना है। इफ़ नबडी पासिस द बॉल इन अ बास्केटबॉल गेम देन यू कांट, आप क्या नहीं कर सकते अगर कोई बॉल पास नहीं करेगा तो आप क्या करोगे, शूट थ्रू द होप। ये आपकी पोएम में ही लाइन है, वही आपने यहाँ लिखनी है। इन अ रिले रेस इफ नो वन पासिस द बैटन देन, तो आप क्या लिखोगे, द रेस कांट गो ऑन। यहाँ पे कांट शॉर्ट फॉर्म में दिया गया, कैन नॉट है वैसे, तो आप इसको कांट ही बोलोगे तो आपकी रेस नहीं चल सकती। उसके बाद है थिंक एंड राइट नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर फॉलोइंग टू प्ले क्रिकेट वी नीड, जैसे आपने यहाँ टीम मेंबर्स के बारे में लिखने हैं, क्रिकेट खेलने के लिए आपको किस किस की जरूरत होती है, बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, कोचेस। ऐसे टू मेक अ फिल्म, फिल्म बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, एक्टर। देखिए यहाँ पे कैमरा नहीं आएगा, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपने इंसानों के नाम बताने हैं, मेंबर्स बताने हैं ना, तो एक्टर, डायरेक्टर, फाइनेंसर, और आप लिख सकते हो प्रोड्यूसर, ठीक है, एक्ट्रेस, और मेकअप मैन, कोरियोग्राफर, आपको फिल्म बनाने के लिए सबकी ज़रूरत होती है। टू रन अ गुड स्कूल वी नीड टीचर, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, ये फर्नीचर नहीं आएगा। तो आपका और क्या आएगा, पियोन है ना, और गार्डनर, और आपका आएगा लैब अटेंडेंट, जो भी आपके साइंस लैब में काम करेगा। तो यहाँ पे आपने पर्सन्स के नाम लिखने हैं, इंसानों के नाम लिखने हैं। टू रन अ रेस्टोरेंट वी नीड, रेस्टोरेंट के लिए आपको क्या चाहिए, कुक, ठीक है, और आपको क्या चाहिए, एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, एक मैनेजर चाहिए, एक कुक या शेफ, एक ही बात होती है, वेटर चाहिए, है ना। तो ये सब आपको चाहिए होता है। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 23 पे। पेज नंबर 23 कंप्लीट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स वन हैज़ बी डन फॉर यू, यहाँ पे आपने राइमिंग वर्ड लिखना है। जैसे टीम का राइमिंग वर्ड है बीम, प्लस दस, डन, बन, हुप, लूप, आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, शूट, रूट, गोल, होल, जॉय, टॉय। तो यहाँ और भी राइमिंग वर्ड्स हो सकते हैं, आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं। उसके बाद रीड द पोएम, ये आपको पोएम दी गई, इसको आपने रीड करना है। फॉर वॉट ऑफ नेल, नेल के लिए क्या चाहिए होता है, फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल द शू वॉज लॉस्ट, अगर हमें नेल चाहिए तो शू हमारा चला जाएगा, हमें शू में से नेल निकालेंगे तो शू खराब हो जाएगा। शू कहाँ, यहाँ पे हॉर्स वाले शू की बात हो रही है, जिसके पैर के नीचे नाल लगाई जाती है। फॉर वॉन्ट ऑफ अ शू द हॉर्स वॉज लॉस्ट, ठीक है, उसे खोना पड़ेगा। फॉर वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स द राइडर वॉज लॉस्ट, यहाँ पे देखिए नाम भी दिया गया और पिक्चर भी दी गई है, ठीक है। एंड फॉर वॉन्ट अ राइडर द बैटल वॉज लॉस्ट, फॉर वॉन्ट ऑफ अ बैटल द किंगडम वॉज लॉस्ट, एंड ऑल फॉर द वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स शू नेल, ये सब आपका शू नेल की वजह से ही लॉस्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे है नाउ फ्रॉम क्वेश्चंस फ्रॉम फॉर द आंसर्स गिवन इन द स्पीच बबल्स, ओके, यहाँ पे बबल्स दिए गए हैं, जिसको मैं क्लाउड बोल रही थी आपकी, इसको आप बबल्स बोलें, क्लाउड बोलें। यहाँ पे आपको आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन आपने लिखने हैं। देखिए द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल, ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, हाउ वॉज द शू लॉस्ट, शू कैसे लॉस्ट किया। इसको आप जो आपके एग्जाम में आएगा वो फ्रेम क्वेश्चंस की फॉर्म में आता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर गिवन है, क्वेश्चन आपने बनाने हैं। द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फाउट, तो आप लिखोगे हाउ वॉज द किंगडम लॉस्ट। द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर, हाउ वॉज द बैटल लॉस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही आपने अपनी तरफ से और भी इसमें क्वेश्चंस बनाने हैं। थ्री आपको आगे बबल्स या क्लाउड्स दिए गए हैं, यहाँ आपने क्वेश्चन एंड आंसर दोनों लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, पिक्चर कंपोजिशन, इसमें आपने इस पिक्चर को देख के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए, उसका आंसर आपने देना है। चले पेज नंबर 25 पे चलते हैं। यहाँ पे आपको हिंट भी दिए गए हैं, प्लम्बर, पेंटर, मेजन, इलेक्ट्रिशियन, लेबर, कारपेंटर एंड गार्डनर, यहाँ पे आपको हिंट दिए गए हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे गए, हु इज़ लेइंग द ब्रिक, ब्रिक कौन बिछा रहा है, मेजन, मेजन होता है जो आपका मिस्त्री का काम करता है, घर बनाने का काम करता है। हु इज़ होल्डिंग द लेबर, देखिए यहाँ पे लेबर जो है
लेडर को होल्ड करिए, हु इज होल्डिंग द लेडर, तो आपने लिखना है लेबर। हु इज द मैन ऑन द लेडर, अब लेडर पे कौन चढ़ा हुआ, देखिए ये वायर पकड़ी हुई है, इसको देखने से आपको पता चल जाता है कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रिशियन है, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिशियन। आपने वर्ड वन वर्ड में ही आंसर देना है क्योंकि शुरू में बोला गया था। हु इज मेकिंग द डोर, तो आप लिखोगे कारपेंटर, एंड हु इज पेंटिंग द वॉल, पेंटर। यहाँ भी पेज नंबर 25 पे आपका यह है, इन ग्रुप ऑफ फाइव डिस्कस व्हाट यू एंजॉय डूइंग अलोन एंड व्हाट यू लाइक डूइंग इन अ ग्रुप, नाउ प्रिपेयर अ लिस्ट एज शोन बिलो। आपने यहाँ पे लिखना है कि आप अकेले क्या एंजॉय करते हो करना, और आप ग्रुप में करना क्या एंजॉय करते हो, तो यहाँ पे यह है थिंग आई लाइक डूइंग अलोन, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जो आप अकेले देखना पसंद करते हो, तो आप लिख सकते हो वॉचिंग टीवी। और आप क्या करना पसंद करते हो अकेले, जब अकेले बैठे हो, रीडिंग बुक्स, उसमें तो आपको शोर नहीं चाहिए होगा ना कि बहुत सारे लोग आए शोर मचाएं, और आपका अकेले जो है क्या अच्छा लगता है करना, अकेले आप डूइंग होमवर्क, आप जब अपना होमवर्क कर रहे हो, या जो भी आपको अच्छा लगता है आप इसमें और भी लिख सकते हो। डूइंग इन अ ग्रुप आप लिख सकते हो, प्ले फुटबॉल, सेलिब्रेट फंक्शंस, मैरिज फंक्शन, बर्थडे फंक्शन, जो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। और आपको क्या अच्छा लगता है, गोइंग टू द मार्केट, मार्केट में जाना ग्रुप में अच्छा लगता है, या आउटसाइड में आप कहीं भी जाते हो, तो यहाँ पे ट्रिप भी लिख सकते हो, गोइंग ऑन ट्रिप, गोइंग ऑन ट्रिप, तो ये आप खुद भी कर सकते हो, इसको आप कर लेना। उसके बाद पेज नंबर 26 पे आपका है ये वाला क्वेश्चन है, लेट्स राइट इन अ पजल, फाइंड द वर्ड गिवन इन द कॉलम, नोटिस दैट दीज वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू। यहाँ पे आपने कोई वर्ड लिखना है और आपने इसमें से फाइंड आउट करना है, तो वहाँ आपने यहाँ पे लिखना है। आप यहाँ पे कहीं भी, जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली, कैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समटाइम, अब समटाइम हमें फाइंड आउट करना कहाँ, ये आपका यहाँ पे बताया गया समटाइम ही है। सेकेंड है एवरीवन, अब देखिए एवरीवन कहाँ पे, ये हमने यहाँ पे सर्च किया, ये आपका एवरीवन बनता है। बास्केटबॉल, तो ये आपका बास्केटबॉल है, आपका जो वर्ड है वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे भी आपको ईजी लगे आप इसमें फाइंड आउट करिए। ये पजल है आपकी, नबड़ी, नबड़ी कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमने सर्च किया नबड़ी है। एंड टीम वर्क, वेयर इज टीम वर्क, हेयर इज टीम वर्क, ओके, TEMWRK। बैटन, बैटन आपका कहाँ पे है, ये रहा आपका बैटन, ठीक है। अब मैंने अपनी तरफ से और भी बनाया, जैसे हैंडसम, यहाँ पे और वर्ड्स बन रहे हैं आपके, ये आपका हैंडसम बन गया। संडे, ये आपका संडे हो गया, तो ऐसे आप और भी वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 27, लेट्स राइट अ पोएम, तो यहाँ पे आपने इसको देख के पोएम बनानी है। यहाँ पे लिखा, आई हैव अ काइट बट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई इट विथ, आई नो अ सॉन्ग बट नीड समवन टू हियर इट, आई हैव अ बॉल बट नीड समवन टू कैच इट। तो उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, आई हैव अ बॉल बट नीड समवन टू प्ले इट, आई हैव अ बुक बट नीड समवन टू टीच मी। यहाँ पर लिख सकते हो, आई नो अ स्टोरी बट नीड समवन टू हियर इट, एंड आप ये भी लिख सकते हो, आई हैव अ बैडमिंटन किट बट नीड समवन टू प्ले विद मी, आई हैव अ बैडमिंटन किट बट नीड समवन टू प्ले विद मी, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो, आई नो एक्टिंग बट नीड समवन टू सी इट, ओके। नाउ इस पेज की जो लास्ट आपका ये रह गया है, यहाँ भी आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसको आपका जानना जरूरी है और ये आपके एग्जाम में भी आते हैं। वी समटाइम यूज शॉर्ट फॉर्म फॉर सम वर्ड्स, ओके, फॉर एग्जाम्पल वी यूज आई एम, हम इसको आई ए एम एम नहीं लिखते, आई एम नहीं लिखते, तो हम आई एम फॉर आई एम, आई हैव फॉर आई हैव, दी शॉर्ट एंड वर्ड्स आर कॉल्ड कंट्रेक्शंस। तो ये जो हैं आपके, ये कंट्रेक्शंस आपके हैं, और ये जो आपके हैं इनको बोलते हैं आप, जो आपकी फुल फॉर्म होती है, ये फुल फॉर्म है और ये आपके शॉर्ट एंड्स हैं, कंट्रेक्शंस जिसको बोलते हैं। एंड द मार्क्स, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रॉफ, अपोस्ट्रॉफ विच शोज वेयर द लेटर आर लेफ्ट आउट, जहाँ पे वो लेटर हमने छोड़ दिया है। नाउ रीड टुगेदर,
अब आपने देखना है जिसे वी विल, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, विल, इसका डबल एल लास्ट वाला हमने लिखा, ऊपर अपोस्ट्रोफ एस, यू हम ऐसे लिखेंगे, वी भी हम ऐसे लिखेंगे, बट हैव का वी ई लास्ट वाले दोनों ये लिखेंगे लेटर, आर में इसके भी लास्ट के दो लेटर लिखेंगे, कैन नॉट को आप कैसे लिखोगे, कैन पूरा लिखोगे, नॉट का आप अपोस्ट्रोफ एन टी, देयर्स देयर इज को देयर्स लिखेंगे, ये आपका कंट्रेक्शन है, ये आपकी फुल फॉर्म है। तो ऐसे ही आपने इसका भी बनाना, हैज नॉट का हैजंट लिखोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एच ए एस एंड डॉट लगा के एन टी हैजंट, ठीक है, डू नॉट को लिखोगे डोंट डी ओ एस अपोस्ट्रोफ लगा के एन टी डोंट, हैवंट आरंट, वेरंट का होता है सॉरी वरंट का मतलब होता है वर नॉट, डब्ल्यू ई आर ई वर नॉट, ओके। अब आपने क्या करना है, वाज नॉट, वाजंट का मतलब होता है वाज नॉट, तो ये आपके कंट्रेक्शंस एंड फुल फॉर्म है। तो यहीं पे हमारा जो ये पोएम है ये आपके यहीं पे ख़त्म होती है।